Hello student, today I am going to solve NIS 315 history question paper of October 2022. Maximum marks is 100 and passing marks is 33. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link at description for previous year solved question paper. Section A Khand A 1. Name any two trading regions in India during the Mughal period. मुगल काल के दौरान भारत के किन्हीं दो व्यापारिक क्षेत्रों के नाम लिखिए दिल्ली आगरा टू व्हाट वेयर द मेन डिमांड्स ऑफ द रसियन रिवोल्यूशनरीज इन 1905 हंड्रेड फाइव अपराइजिंग राइट एनी टू उन्नीस में रूसी क्रांतिकारियों की मुख्य मांगे क्या थी किन्हीं दो को लिखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी लोकतांत्रिक गणराज्य सार्वभौमिक मताधिकार थ्री स्टेट द कंट्री एंड नेम इट्स प्रेसिडेंट अप्रूव्ड एंड डेवलप्ड अ न्यू वेपन सिस्टम द स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव आल्सो नोन एज स्टार वार्स उस देश और उसके राष्ट्रपति का नाम लिखिए जिसने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव नामक एक नई हथियार प्रणाली विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी जो स्टार वार्स के रूप में भी जानी गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोनल्ड रेगन फोर गिव नेम्स ऑफ एनी फोर परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ ऑफ़ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ़ यू एन ए बिटवीन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव एंड नाइन्टीन हंड्रेड उन्नीस सौ पैंतालीस तथा उन्नीस सौ सत्तर के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सुरक्षा परिषद के किन्हीं चार सदस्य देशों के नाम लिखिए यू एस ए चाइना रसिया फ्रांस फाइव डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एज एन इविडेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री इतिहास पुनः सर्जन में अभिलेखों का साक्ष के रूप में इसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए लेटर्स आर फेंटली इनग्रेब रिकंस्ट्रक्शंस अनसर्टेन इंस्क्रिप्शंस डैमेज लेटर्स मिसिंग अक्षरों को हल्के से उकेरा गया है पुनर्निर्माण अनिश्चित शिलालेख क्षतिग्रस्त पत्र गायब अथवा एक्सप्लेन द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ अरप्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की व्याख्या कीजिए द आर्कोलॉजिकल एब्जर्वेश रिवील दैट दिस कल्चर वाज स्पीड ओवर अ वास्ट एरिया विच इंक्लूडेड नॉट ओनली द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज राजस्थान पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बट आल्सो पाकिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान सम इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर सरतुघाई इन अफ़गानिस्तान हड़प्पा इन वेस्टर्न पंजाब मोहनजोद्रो एंड चानहोद्रो इन सिंध कालीबागान इन राजस्थान लोथल एंड धोलावीरा इन गुजरात बनावली एंड राखी गढ़ी इन हरियाणा दायमाबाद इन महाराष्ट्र वाइल सुतागेंदोर ऑन द मकरान कोस्ट इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द हरप्पा सिविलाइजेशन एंड आलमगीरपुर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मार्क्स इट ईस्टर्न मोस्ट लिमिट पुरातात्विक खुदाइयों से पता चला है कि यह सभ्यता विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी जिसमें न सिर्फ भारत के आधुनिक राज्य जैसे राजस्थान पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित थे बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ भाग भी शामिल थे इस सभ्यता के कुछ मुख्य स्थान हैं जम्मू और कश्मीर में मांडा अफगानिस्तान में सार्तुलई पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा सिंध में मोहनजोदड़ो और चौंदोड़ो राजस्थान में कालीबागान गुजरात में लोथर और धौलवीरा हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी महाराष्ट्र में दाइमाबाद जबकि मकरान तट पर स्थित सुतगोंदरे हड़प्पा सभ्यता सुदूर पश्चिमी छोर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर इसकी सुदूर पूर्वी सीमा है सिक्स द बेस्ट अकाउंट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड इज गिवेन इन द बुक कॉल्ड प्लस ऑफ द इरीथरियन सी एक्सप्लेन द आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट आर गिवेन इन द बुक पेरीप्लस ऑफ द एरीथियन सी नामक पुस्तक में भारत रोम व्यापार का सर्वश्रेष्ठ विवरण प्राप्त होता है इस पुस्तक के आधार पर आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं की व्याख्या कीजिए द बेस्ट अकाउंट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड इज गिवेन इन द बुक कॉल्ड पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी विच वॉज रिटन इन द फर्स्ट सेंचुरी ए डी बाई एंड एनोनोमस आथर मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रोम वेयर द इंडियन प्रोडक्ट सच एज स्पाइसेस परफ्यूम्स ज्वेल्स एवोरी एंड फाइन टेक्सटाइल्स That is Muslin. Spices exported from India to the Roman Empire included pepper, also called Yavanapriya. The spice trade with the Roman Empire was largely based in South India. Romans also imported several precious and semi-precious stones like diamond, carnelian, turquoise, agate, spare ETC, besides pulse indigo, sandalwood and steel ETC. Against this import, Romans exported gold and silver to India. It is proved by a large number of Roman coin of the first century AD found in the subcontinent. This indicates an enormous drain of gold from the Roman Empire towards India. Other important item of export from the Roman Empire include wine, which is indicated by wine no. 4, and shirts of Roman were found in significant number at Arikamendu in South India. Beside the western trader also brought tin, lead, coral, and स्लेव गर्ल्स प्रथम ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में भारत रोम व्यापार का सर्वश्रेष्ठ विवरण प्राप्त होता है रोम वासियों द्वारा वांछित भारतीय उत्पाद थे मसाले इत्र रत्न हाथी दांत तथा परिष्कृत वस्त्र जैसे मलमल -मल। भारत से रोम साम्राज्य को निर्यात होने वाले मसालों में काली मिर्च भी शामिल थी जिसे यवन प्रिया के नाम से भी जानते हैं रोम साम्राज्य के साथ भारतीय मसालों का व्यापार मुख्य दक्षिण भारत से संचालित होता था रोमवासी कई बहुमूल्य तथा आंशिक कम दुर्लभ रत्नों का भी आयात करते थे यथा हीरे फिरोजा नीलम गुमेद इत्यादि तथा मोती नील चंदन की लकड़ी तथा इस्पात आदि इन आयातों के बदले में रोमवासी भारत को स्वर्ण तथा चांदी का निर्यात करते थे इस तथ्य का प्रमाण प्रथम सदी में महाद्वीप में प्रचलित रोमन सिक्कों से मिलता है इसमें रोम साम्राज्य का भारत के साथ सोने के अत्याधिक निर्यात का संकेत मिलता है रोम द्वारा निर्यात होने वाली वस्तु, महत्वपूर्ण वस्तुएं थी वाइन अंगूर की शराब जिसका प्रमाण दक्षिण भारत में अरिकमेंडू में व्यापक मात्रा में पाए गए अंगूर के शराब के पात्रों तथा रोमन लिपि की कतरनों से मिलता है अन्य निर्यातित वस्तुओं में टीन सीसा मूंगा तथा दासी लड़कियाँ थी और द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रिस्ड इट स्पीक ड्यिंग ए डी एट हंड्रेड टू ए डी थर्टीन हंड्रेड एक्सप्लेन हाउ डिट ट्रेड हेल्प इन द स्प्रिड ऑफ इंडियन सोशल एंड कल्चरल आइडियाज़ इन साउथ ईस्ट एशिया आठ सौ से तेरह सौ ईस्वी के दौरान भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य व्यापार अपने चरम पर था व्याख्या कीजिए कि की व्यापार ने भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचारों के प्रसार में दक्षिण पूर्व एशिया में कैसे योगदान दिया The southeast contact was largely on account of trade. Southeast Asia is rich in cardamom, sandalwood, camphor, cloves, etc., which formed important items of trade between India and the West. Initially, the Indian traders appear to have settled along the coast, but gradually they shifted their network to the interior. Along with the traders came the priests, particularly the Buddhists and Brahmans, to meet the ritual. Requirements of the Indian settlers. It thus created a situation for the spread of Indian social and cultural ideas in Southeast Asia. But it must be noted that Indian contact did not uproot the local culture. It was rather a case of peaceful intermixing of Indian concepts with local culture features. Therefore, for example while sanskrit was accepted as a language of court and religion in southeast asia the religion language continued to be used side by side and we find many inscriptions in mixed sanskrit and local languages. similarly the concept of varna was known to the southeast asia and brahmanas were respected in society but social divisions were not received as it was in india दक्षिण और पूर्व के संबंध मुख्यतः व्यापार पर आधारित थे दक्षिण पूर्व एशिया इलायची चंदन की लकड़ी तथा लौंग में समृद्ध था जिसने भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापारिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया प्रारंभ में भारतीय व्यापारी वर्ग ने तटीय क्षेत्र में निवास करना प्रारंभ किया किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपना सूचना तंत्र आंतरिक क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया भारतीयों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुक्त बौद्ध ब्राह्मण पुजारी भी व्यापारियों के साथ आए इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति सभ्यता का विस्तार हुआ किंतु यहाँ यह स्मरणीय होगा कि भारतीय संपर्कों ने स्थानीय संस्कृति को अलग नहीं किया यह स्थानीय विशेषताओं तथा भारतीय संस्कृति का एक मिला जुला रूप था उदाहरण के लिए सांस्कृतिक न्यायालय की भाषा के रूप में अपनाई गई वहीं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं भी साथ में प्रयुक्त होती रहीं क्योंकि हमें संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं में वर्णित उल्लेख प्राप्त होते हैं इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया वासियों तथा ब्राह्मणों में वर्ण व्यवस्था तो थी किंतु समाज का वर्गीकरण भारत की तरह कठोर नहीं था सेवन डिस्कस द रीज़न फॉर द विड्रॉवल ऑफ द टोकन करेंसी बाई मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रतिकात्मक मुद्रा की योजना वापस लेने के कारणों पर चर्चा कीजिए मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉयन इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉयन एंड ऑर्डर दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड एज इक्विबलेंट टू द टांका हाउ इवहर द आइडिया ऑफ टोकन करेंसी वॉज न्यू इन इंडिया एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर्स एंड कॉमन पीपल टू एक्सेप्ट इट The state also did not take proper precautions to check the imitation of coins issued by the mints. Government could not prevent people from forging the new coins, and soon the new coin floated in the market. According to Brani, the people began to mint token currency in their houses. However, the common man failed to distinguish between copper coin issued by the royal treasury and those which were locally made. द सुल्तान वाज फोर्स टू विदड्रॉ द टोकन करेंसी मोहम्मद ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे की मुद्रा चलाई तथा आदेश दिया कि इसे टका के रूप में स्वीकार किया जाए हालांकि प्रतीकात्मक मुद्रा का विचार भारत के लोगों के लिए नया था तथा व्यापारियों आम लोगों के लिए इसे स्वीकारना अत्यंत कठिन था शासन ने भी सिक्कों को गढ़ाई के विषय में उचित सावधानी नहीं बरती सरकार लोगों को नए सिक्के ढालने से रोक न सकी तथा जल्द ही बाजार में नकली प्रतीकात्मक मुद्राओं की बाढ़ आ गई बर्नी के अनुसार लोगों ने सिक्के घर पर ही ढालने प्रारंभ कर दिए थे अतः सामान्य जनता के लिए सरकारी सिक्कों तथा लोगों द्वारा ढले सिक्कों में अंतर करना मुश्किल हो रहा था अंततः सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी और एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर सेटिंग ऑफ थ्री मार्केट्स इन दिल्ली बाई अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में तीन बाजारों को स्थापित करने के कारणों की व्याख्या कीजिए Alauddin's measures to control the market were one of the most important policy initiatives. Since Alauddin wanted to maintain a large army, he therefore lowered and fixed the price of the commodities of daily uses. The control the prices, Alauddin set up three different markets for different commodities in, in Delhi. This market was the grain market, cloth market and the market for horses, slaves, cattle, etc. To ensure implementation Alauddin appointed a superintendent who was assisted by an intelligence officer apart from Sahana A. E mandi Alauddin received daily reports of the market from two other independent sources Barid and Munhayans any violation of sultan's order resulted in harsh punishment including expulsion from the capital imposition of fine imprisonment and mutilation बाज़ार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है चूंकि अलाउद्दीन एक विशाल सेना रखता था तथा उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए तथा निर्धारित किए मूल्यों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार बनाए ये थे अनाज बाज़ार कपड़ा बाज़ार तथा घोड़ों जानवर गुलामों का बाजार अलाउद्दीन ने एक पर्यवेक्षक सहानाया मंडी की नियुक्ति की जिसके अधीन एक सूचना अधिकारी होता था शाहनाय मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन बरीद तथा मुहियन के द्वारा भी बाजार की दैनिक जानकारी प्राप्त पाता था सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन का अर्थ होता था कड़े से कड़ा दंड जैसे राजधानी से निष्कासन आर्थिक दंड जेल तथा अंग भंग एट डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ तानसेन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में तानसेन की देन का वर्णन कीजिए तानसेन इज रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड इज़ क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग रागाज एज द मियाँ की मल्हार मियाँ की टोडी एंड दरबारी तानसेन को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण प्रतिपादक माना जाता है और उन्हें मियाँ की मल्हार मियाँ की टोड़ी और दरबारी के रूप में रागों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है और डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ एनी फोर रीजन एंड नेम्स ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ मराठा कॉन्फेडरेश मराठा राज्य संघ के किन्हीं चार अधीनस्थ क्षेत्रों तथा उन पर शासित मराठा वन सरदारों के नामों का वर्णन कीजिए भोंसलेस ऑफ नागपुर गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा होलकस ऑफ इंदौर सिंधिया ऑफ ग्वालियर नाइन डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बाई ब्रिटिशर्स ब्रिटिश द्वारा भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण के परिणामों पर चर्चा कीजिए वन गवर्नमेंट यूज़ टू गेट सिलेवरी डन इंस्टीट ऑफ वर्क इन द टी गार्डन टू इन ह्यूमन स्टैंडर्ड्स ऑफ गेटिंग देयर वर्क डन बाई फोर्स थ्री हाई रेवेन्यू फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स टू पे रेंट एंड डेप्ट फोर ड्यू टू द चेंज फ्रॉम फूड क्रॉप्स ज्वार बाजरा पल्सेस टू कैश क्रॉप्स द फेमाइन ईयर्स ब्राउड डिजास्टर फाइव फेमाइन एंड एग्रेरियन रियॉर्ट्स इन द एटीन हंड्रेड सेवेंटीज सिक्स जूट इंडस्ट्री कोलेब्स सेवन हंगर एपिडेमिक एवरी वेयर एट नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी थ्री देयर वॉज अ फेमाइन इन बेंगाल एक चाय बागान में काम के बदले सरकार गुलामी करवाती थी दो जबरदस्ती अपना काम करवाने के अमानवीय मानक तीन उच्च राजस्व लगान और कर्ज चुकाने के लिए नगदी फसलें उगाने को मजबूर चार खाद्यान्न फसलों ज्वार बाजरा दालों से नगदी फसलों में परिवर्तन के कारण अकाल के वर्ष आपदा लेकर आए पाँच अठारह सत्तर के दशक में अकाल और कृषि संबंधी दंगे छः जूट उद्योग धराशाही हो गया सात सर्वत्र फैली भूख महामारी आठ उन्नीस सौ तैंतालीस में बंगाल में अकाल पड़ा और एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ केशव चंद्र सेन इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स केशव चंद्र सेन की सामाजिक धार्मिक सुधारों में देन की व्याख्या कीजिए केशव चंद्र सेन हु ज्वाइन द समाज इन 1858 हंड्रेड फिफ्टी एट वॉज अ वेरी इलेक्वेंट एंड प्रसिव लीडर ही टूक द एक्टिविटीज़ ऑफ द समाज बियॉन्ड बेंगाल एंड इन टू यूपी पंजाब मद्रास एंड बॉम्बे ही रेडिकलाइज द समाज बाई अटैकिंग कास्ट सिस्टम अंडरलाइंग वूमेंस राइट्स प्रमोटिंग विडो रिमेरिज एंड रेजिंग द इशू ऑफ कास्ट स्टेटस ऑफ Preacher, which was earlier reserved for Brahmans, he laid stress on un universalism in religion. His radicalism brought him into opposition with Devendranath. In 1866, the Samaj was formally divided into Adi Brahmo Samaj and the Brahmo Samaj of India. केशव चंद्र सेन समाज में अठारह सौ अंठावन में शामिल हुए तथा वे एक वाक चतुर तथा किसी भी बात को मनवाने में समर्थ थे उन्होंने समाज की गतिविधियों को बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश पंजाब मद्रास तथा बंबई तक फैलाया उन्होंने जाति व्यवस्था पर हमला कर महिला अधिकारों की बात की विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर तथा धर्म सुधारकों के मध्य जाति व्यवस्था के मुद्दे को उठा कर ब्रह्म समाज को और सुधारवादी रूप दिया उन्होंने धर्म के सर्वभौमिकरण पर जोर दिया उन्हों उनके सुधारवाद ने उन्हें देवेंद्र के विरोध में खड़ा कर दिया सन अठारह में समाज आधिकारिक तौर पर आदि ब्रह्म समाज तथा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में विभाजित हो गया टेन डिस्कस द रीजन्स वाई द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ऑफ नाइनटीन हंड्रेड वेयर इन सर्च ऑफ न्यू एनर्जी हाउ डिड द एक्सप्लोयर द रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉलोनीज उन्नीस सौ के औद्योगिक समाजों में नए ऊर्जा स्रोतों की खोज क्यों करने लगे इसके कारणों पर चर्चा कीजिए उन्होंने अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण कैसे किया इंडस्ट्रियल सोसाइटीज रिक्वायर्ड न्यू एनर्जी सोर्सेज टू रन देयर फैक्ट्रीज लाइट देयर होम्स एंड ऑफिसेज एंड पावर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रेलवे इंजन एंड ऑटोमोबाइल्स दस ब्रिटेन फ्रांस एंड जर्मनी इन नाइनटीन हंड्रेड वेयर लार्जली कोल पावर सोसाइटीज़ While Italy had begun to use hydroelectricity, the US, US was relying increasingly on petroleum fuels. By 1915, it was clear that cars would replace horses in transpor transportation. These countries began to realize that their economic and political strength depended on sources of energy, and they began to exploit resources in their colonies for Example: The British were engaged in oil in Assam and Burma. The Dutch were doing the same in Sumatra, and the American in Mexico. This factor determined their foreign policies. औद्योगिक समाजों को अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने अपने घरों और कार्यालयों में रोशनी करने परिवहन के शक्तिशाली आधुनिक साधनों जैसे रेलवे इंजन और ऑटोमोबाइल चलाने के लिए नए ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता थी अतः उन्नीस सौ में ब्रिटिश फ्रांस और जर्मनी व्यापक रूप से कोयले का उपयोग करने वाले समाज थे जबकि इटली ने जल विद्युत का उपयोग करना शुरू कर दिया था अमेरिका पेट्रोलियम ईंधनों पर आश्रित होता जा रहा था 1915 तक यह स्पष्ट हो हो गया था कि परिवहन में घोड़ों के स्थान पर कारों का उपयोग होगा इन राष्ट्रों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि इनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर थी और इन्होंने अपने उपनिषकों के संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया उदाहरण के लिए ब्रिटिश लोग असम और बर्मा से तेल जुटाते थे यही कार्य डच लोग सुमात्रा में और अमेरिका के लोग मैक्सिको में कर रहे थे ये घटक इनकी विदेशी नीतियों का निर्धारण करते थे और हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार टर्न इट्सैल्फ इन टू अ ग्लोबल वार एक्सप्लेन द्वितीय विश्व युद्ध कैसे वैश्विक युद्ध में परिवर्तित हो गया व्याख्या कीजिए सिंस द आउटब्रेक ऑफ वार यू एस हैड बीन सिंपेथेटिक टू ब्रिटेन एलाइंग हर टू बाई आर्म्स फर्स्ट ऑन ए कैश एंड कैरी बेसिस एंड देन ऑन अ लैंड lease system the later deal was extended to the soviet union also in november 1941 however us was opposed to direct entry into the war however in december 7 1941 japan launched a surprise attack on the american naval base at pearl harbor in hawaii This resulted in the destruction of the American Pacific Fleet and the death of over 2,000 soldiers. On December 8, U.S. declared war on Japan, and a few days later on Germany and Italy. The war had become truly global. युद्ध प्रारंभ हो गया था इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति दिखाई उसे पहले नगद बिक्री आधार पर तथा तत्पश्चात उधार पट्टा प्राणी पर हथियार खरीदने की अनुमति दी गई थी दूसरे प्रकार की सहायता नवंबर नवम्बर उन्नीस में सोवियत संघ को भी दी गई थी तथापि अमेरिका ने प्रत्यक्ष युद्ध करने का विरोध किया था तथापि सात दिसं सितम्बर उन्नीस में जापान ने हवाई में पर्लल हार्बर में अमेरिका के नेवल बेस पर अचानक आक्रमण प्रारंभ कर दिया इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी प्रशांत बेड़ा ध्वस्त हो गया तथा दो से अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई आठ दिसंबर को अमेरिका ने जापान से युद्ध की घोषणा की और कुछ दिन बाद ही जर्मनी और इटली से भी युद्ध की घोषणा की वास्तव में यह युद्ध वैश्विक हो गया 11. एक्सप्लेन वर्क फ्रॉम होम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वर्कर्स एंड इंप्लायर्स घर से काम करने तथा इसके कर्मियों तथा मालिकों पर पड़े प्रभाव की व्याख्या कीजिए वन बिग फॉर्म्स इन वेस्टर्न कंट्रीज टू वर्क फ्रॉम होम इज चीपर थ्री नीड नॉट स्पेंड ऑफिस मेंटेनेंस फॉर इंप्लाइज नेवर फुल्ली गेट ऑफ द जॉब 5 कैन नॉट क्लेम लीव एंड अदर बेनिफिट्स सिक्स नो अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस सेवन नो फोरम टू सेयर क्रेविनेस एट एम्प्लॉयज़ टू मोर क्लोजली मॉनिटर एक पश्चिमी देशों में बड़ी फर्में दो घर से काम करना सस्ता है तीन कार्यालयों के रख रखाव पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है चार कर्मचारी कभी पूरी तरह से नौकरी से नहीं हटते पाँच छुट्टी और अन्य लाभों का दावा नहीं कर सकते छः ट्रेड यूनियन बनाने का अवसर नहीं सात शिकायतों को साझा करने के लिए कोई मंच नहीं आठ नियोक्ता अधिक बारीकी से निगरानी करें और हाउ डिड साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन इन ट्वेंटियत सेंचुरी बीसवीं शताब्दी में आधुनिक मानव के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा तकनीक ने क्या और कैसे परिवर्तन कर दिए हैं परहैप्स द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द ट्वेंटियत सेंचुरी वाज द फिनोमिनल growth of science and technology which affected and transformed every aspects of life from entertainment and education to transport and communication at a very rapid pace during the period cars and aeroplanes radio and trans transistors movies and television calculators and computers satellites and mobile phones and laser and organ transplant are only some of the new products and services made available by modern technology during the preceding century. Behind this spate of technological in innovations lay very interactive development in various scientific realms such as sub atomic physics, genetic and molecular biology, and space research. Some of the famous scientists who made major discoveries in this field are Marie Curie, Albert Einstein, Feynman, and Homi J. Bhabha. बीसवीं शताब्दी की अत्याधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शायद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास रहा है जिसने उस अवधि के दौरान मनोरंजन और शिक्षा से लेकर परिवहन और संचार तक जीवन के हर पक्ष को तीव्र गति से प्रभावित और परिवर्तित किया पिछली सदी के दौरान आधुनिक प्रौद्योगिकी ने कारें एवं वायुयान रेडियो और ट्रांजिस्टर फिल्में तथा टेलीविज़न कैलकुलेटर एवं कंप्यूटर सैटेलाइट और मोबाइल फोन तथा लेज़र एवं अंग प्रत्यरोपण कुछ एक ऐसे नए उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराईं इन प्रौद्योगिकी आविष्कारों के इस महासमुंद के पीछे विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों जैसे सब एटॉमिक फिजिक्स अनुवांशिकी और अणु जीव विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में जटिल विकास हुए हैं इन क्षेत्रों में प्रमुख खोजें करने वाले कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं मैडम क्यूरी अल्बर्ट आइंस्टाइन फिनमैन और होमी जे भाभा ट्वेल्व डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म जैन धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए Vardhaman Mahavir is regarded as the founder of Jainism. He was born in 599 BC near Vaisali in Bihar. He was 20th, 4th and the last Tirthankar of Jainism. Jainists believe that the main goal of human life is the purification of soul and attainment of Nirvana, which means freedom from birth and death. This can be achieved not through ritual and sacrifices but by pursuance of Tiratna and Panchmahavratna. तिरत्ना, रत्ना आर थ्री ज्वेल आर राइट फैथ राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट विच कैन लीड टू लिबरेशन राइट कंडक्ट मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ फाइव ग्रेट ऑब्स अहिंसा सत्यवचना अस्त्या, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह हाउस होल्डर्स वे आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व मिल्डर फ्रॉम ऑब द प्रैक्टिस ऑफ दिस वर्च्यूज कॉल्ड अनुव्र इज कंपरिजन द टू द मॉर्क सो One can notice that while the Brahmanism was a ritual oriented religion, this new faith was conduct oriented. The most distinguishing feature of Jainism was the concept of anekavatada or sayavada. It means that the truth can be viewed from aneka or various angels. Another important feature of Jainism was its emphasis on extreme form of penance. एस्ट्रेटी एंड स्ट्रिक नॉन वायलेंस पर हैप्स इम्फेसिस ऑन स्ट्रिक डिसिप्लिन वाज वन ऑफ द रीजन वाई इट कुड नॉट अट्रैक्ट मासेस इन लाज नंबर महावीरा यूज पक्रित लैंग्वेज टू स्प्रेड हिज मैसेज हाउ यूवर जस्ट लाइक अदर रिलीजन जेनि आल्सो कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड फॉर वेरी लॉन्ग एंड लेटर डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट्स कॉल द दिगम्बरा एंड स्वितम्बरा वर्धमान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है उनका जन्म पाँच सौ निन्यानवे ईस्सा पूर्व बिहार वैशाली के निकट हुआ था वे जैन धर्म के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म का की आस्था थी कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और निर्वाण प्राप्त करना जिसका अर्थ है जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति उनका कहना था कि इससे धार्मिक अनुष्ठानों और पशु बलियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता बल्कि इसकी प्राप्ति त्रिरत्न और पंच महाव्रत से होती है तीन रथ अथवा तीन स्वर्ण सिद्धांत हैं उचित विश्वास उचित उचित ज्ञान और उचित व्यवहार जिन पर चलकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है उचित व्यवहार का अभिप्राय है पांच नियमों पर चलने की शपथ लेना अहिंसा सत्यवचन आस्तय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैन मुनियों की तुलना में गृहस्थ लोगों से इन अनुव्रत कहे जाने वाले सद्गुणों के कठोर अनुपालन की आशा नहीं की जाती थी अतः हम यह देख सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म, धर्म धार्मिक कर्मकांड पर बल देता था तो यह नया धर्म व्यवहार आधारित था जैन धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता थी वाद एवं कहे कहें सदवादा इसका अर्थ है कि सत्य को अनेक अथवा विधित कोणों से परखा जा सकता है जैन धर्म की एक और मुख्य विशेषता थी कठोर प्रायश्चित आडंबरहीनता और कठोर अहिंसा धर्म का पालन शायद कठोर अनुशंसा अनुशासन के सिद्धांतों पर बदल देने के कारण ही बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी इस धर्म की आकर्षित नहीं हो पाए महावीर ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया तथापि अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म भी बहुत लंबी अवधि तक संगठित नहीं रह सका और दिगंबर और श्वेतांबर नामक दो वर्गों में बट गया और द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर डिस्कस विद रिगार्ड टू लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कला तथा साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है इस काल के साहित्य के संदर्भ में चर्चा कीजिए द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ह्यूज बॉडी ऑफ रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड इन दिस पीरियड द टू ग्रेट इपिक द रामायण एंड वेयर finally completed in the 4th century the story of both the epics symbolized the victory of good over evil both rama and krishna came to be considered incarnation of vishnu the gupta period marks the beginning of the writing of the literature known as puranas puranas these texts refer to the story about the hindu gods and mention the way to please them through fast and pilgrimages the major puranas written in the, this period are the vishnu puran Vayu Puran and Matsya Puran. For the worship of Shiva, Shiva Puran was written, whereas the various incarnations of Vishnu are glorified in Braha Puran, Vamna Puran, and Narasimha Puran. They were meant for the worship by common men. Some Smritis or the law books were also compiled in the Gupta period. One of these, the Narda Smriti, threw light on the general social and economic rules and regulations of the period. द लिटरेचर इन गुप्ता पीरियड वॉज रिटन इन संस्कृत द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स वॉज कालीदास हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त दित्य इन द फिफ्थ सेंचुरी एडी हिज वर्क्स आर वेरी फेमस एंड हैव बीन ट्रांसलेटेड इन मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सम ऑफ द वर्क्स दैट ही ऑथर्ड आर मेघदूतम अभिजन शकुंतलम रघु कुमार संभवा एंड रितु संहारा द नोटेबल फीचर ऑफ हिज वर्क्स इन द इन दैट द कैरेक्टर्स ऑफ हायर कास्ट स्पीक इन संस्कृत वाइल दोज ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन स्पीक इन प्रकृत द अदर फेमस ड्रामेटिस्ट टू हैव फ्लोरिस्ड इन दिस पीरियड आर सुद्रका, राइटर ऑफ मृचिकितकम एंड विशाखा विशाखादात्ता हु ऑथर्ड मुद्राक्षा इन द सेवेंथ सेंचुरी बानाभट द कोर्ट पॉइट ऑफ हर्सा रोड हरश प्रेजिंग हिज पोयम राइटिंग इन एंड ओरनेंट स्टाइल It became a model for later writer, writers. The early history of Harsha is re reconstructed on the basis of this text. Another text written by him is Kadambari. Harsha, too, was considered to be a literacy monarch. He is said to have authored three plays Priyadarsika, Nagananda, and Ratnavali. कला तथा साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल स्वर्ण युग माना जाता था बड़ी संख्या में धार्मिक तथा अन्य साहित्य की रचना इस काल में हुई रामायण तथा महाभारत दोनों महाकाव्य चौथी शताब्दी में पूरे हो गए दोनों ही महाकाव्यों की विषय वस्तु में अधर्म पर धर्म की विजय है राम तथा कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने गए गुप्त काल के साहित्य में पुराणों का सृजन प्रारंभ हुआ इन रचनाओं में हिंदू देवी देवताओं की कहानियाँ तथा व्रत एवं कर्मकांडों और तीर्थ यात्रा द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की तरीकों का विवरण है इस काल में सृजित मुख्य पुराण थे विष्णु पुराण वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण शिव की आराधना के लिए पुराण की रचना हुई वहीं विष्णु के विभिन्न अवतारों का महिमंडन वारण पुराण वामन पुराण तथा नरसिम्हा पुराण में मिलता है यह साधारण जन के लिए लिखे गए थे गुप्त काल में कुछ विधि विषय पुस्तकें स्मृति भी लिखी गई इनमें से नारद स्मृति सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक नियमों तथा नियमवालियों पर प्रकाश डालती हैं गुप्तकालीन साहित्य की भाषा संस्कृत थी संस्कृत के महानतम कवि कालिदास पाँचवीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के मुख्य रत्न थे उनके साहित्यिक कार्य बहुत ही है लोकप्रिय हैं तथा कई यूरोपीय भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ उस उनकी कुछ चर्चित रचनाएं मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंश कुमार संभव तथा ऋतु संहार है उनकी रचनाओं का मुख्य आकर्षण उच्च कुल के पात्रों द्वारा संस्कृत का प्रयोग तथा साधारण लोगों द्वारा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग रहा इस युग के अन्य चर्चित लेखक सुद्रक जिन्होंने कटिकम तथा विशाखा दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन के दरबारी कवि ने अपनी संरक्षण की प्रशंसा करते हुए हर्षचरित का सृजन किया अत्यंतिक अलंकृत भाषा में लिखी गई यह रचना बाद के लेखकों के लिए बन गई उदाहरण हर्षवर्धन के शासनकाल के आरंभिक इतिहास की जानकारी इसी पुस्तक से प्राप्त होती है उसके द्वारा लिखित अन्य रचना है कादंबरी हर्षवर्धन स्वयं भी एक साहित्यिक सम्राट था कहा जाता है कि उसने तीन नाटक लिखे प्रियदर्शिका नागनंदन तथा रत्नावली थर्टीन हाउ कुड शिवाजी बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम एक्सप्लेन शिवाजी को मराठा राज्य का संस्थापक कैसे माना जाता है व्याख्या कीजिए द मराठाज इमर्ज इन द ढक्कन एज अ वाइटल फोर्स अंडर शिवाजी इन द मिडिल ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी एंड बी गेम टू चैलेंज द मुगल अथॉरिटी शिवाजी स्टार्टेड हिज ऑफेंसिव ऑपरेशन इन सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स एंड कैप्चर द प्रिंसिपलिटी ऑफ Jauli. after some time sivaji raided the bijapur territory and in 1659 the sultan of bijapur sent his general abzal khan so capture sivaji but sivaji was too clever for him and killed him ultimately in 1662 the sultan of bijapur entered into a peace settlement with sivaji and acknowledged him as an independent ruler of his conquered territories sivaji now began to Devastated the Mughal territories. Aurangzeb sent Saista Khan, the Viceroy of the dhakkan with a big army against Shivaji and the Treaty of Purandhar was signed between the two. Out of the 35 forts held by Shivaji, he agreed to surrender 23 forts to the Mughal. The remaining 12 forts were to be left with Shivaji. Shivaji was asked to pay a visit to the Mughal court at agra but when sivaji went there he was ill-treated and was taken a prisoner he managed to escape reaching raigad in 1666 from then onward he waged a relentless struggle against the mughals soon he conquered all the forts which he had surrendered to the mughals in 1670 he plundered surat for the second time in 1674 sivaji made raigad his capital and separated his कॉर्नेशन एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति शॉर्टली आफ्टर दिस ही मेड अ ग्रेट एक्सपेंडिशन इन टू साउदन इंडिया एंड कंक्यूट जिंजी वेल्लोर एंड मेनी फॉर्ट इन कर्नाटका ही डाइड एट रायगढ़ इन सिक्सटीन एटी आफ्टर रूलिंग फॉर ओनली सिक्स ईयर्स इन दिस शॉर्ट टाइम ही फाउंडेड द मराठा किंगडम विश डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया फॉर अ सेंचुरी एंड हाफ सत्रहवीं सदी के मध्य में शिवाजी के नेतृत्व के अधीन मराठे दक्कन है बहुत शक्तिशाली बल के रूप में उभरे और उन्होंने मुगलों के अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया शिवाजी ने सोलह में अपनी आक्रामक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और जावली का राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया कुछ समय के बाद शिवाजी ने बीजापुर प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और सोलह में बीजापुर के सुल्तान ने अपने जनरल अफजल खान को शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा परंतु शिवाजी उसकी तुलना में बहुत चतुर निकले और उन्होंने उसकी हत्या कर दी अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक समझौता किया जिसके तहत उन्हें जीते गए प्रदेशों का स्वतंत्र शासक मान लिया गया अब शिवाजी ने मुगल प्रदेशों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया औरंगजेब ने धक्कन के सूबेदार साइस्ता खान को एक बहुत बड़ी सेना देकर शिवाजी के पास भेजा और उन दोनों के बीच पुरंदर के पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलों में से 23 किले मुग़लों को वापस करने के लिए वह तैयार हो गया शेष बचे 12 किले शिवाजी के पास छोड़ दिए गए शिवाजी को आगरा के मुगल दरबार में आने का आग्रह किया गया परंतु जब शिवाजी वहां पहुंचे तो उनसे दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया वे सोलह में बचकर निकल भागे और रायगढ़ पहुँच गए तब से लेकर उन्होंने मुग़लों के विरुद्ध लगातार युद्ध जारी रखा बहुत शीघ्र ही उन्होंने उन सभी किलों को वापस जीत लिया जो उन्होंने मुगलों को वापस किए थे सोलह सौ सो सत्तर में उन्होंने सूरत को दूसरी बार लूटा सोलह सौ सो चौहत्तर में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया और राजभिषेक करवाने के बाद छत्रपति की उपाधि ग्रहण की इससे के कुछ ही समय बाद उन्होंने दक्षिण भारत में एक बड़ा अभियान चलाया और वेल्लोर में झिंसी और कर्नाटक में कई जिले जीत लिए छः वर्ष तक शासन करने के बाद सोलह सौ अस्सी में उनकी मृत्यु हो गई और एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ कृष्णा देवराय ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉर्जिन ट्रेवलर्स अबाउट द मिग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर कृष्णदेवराज की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए तथा तो इसी संदर्भ में विजयनगर के वैभों पर विदेशी यात्रियों के विवरण की भी व्याख्या कीजिए कृष्णदेवराज वॉज वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर which was a south indian empire that ruled from the 14th to 16th century he ruled from 509 to 530 and is widely regarded as one of the most illustrious king of the empire during his reign krishna Devraj achieved several significant accomplishments one of the most notable was his military conquest which expanded the empire's boundary and brought about a period of relative stability and prosperity he defeated the Gajapatis of Orissa, the Reddis of Kondavidu, and the ruler of Umatur and Gingi, among others. Raj was also known for his patronage of the arts and literature. He was a great scholar himself and wrote several works in Telugu and Sanskrit. He also supported many other writers and poets, including the famous Telugu poet Tenali Ramakrishna. In addition to this achievement, Krishna Devaraj was also known for his administrative reforms. He established a network of revenue officials who were responsible for collecting taxes and managing the finances of the empire. He also implemented several policies aimed at promoting trade and e commerce, which helped to stimulate the economy. The meaning of Vijayanagara during Krishna Devraj's reign was noted by several foreign travelers, including the Portuguese traveler Domingo Pei and the Italian traveler Niccolo de Conti. They marveled at the grandeur of the city, which was said to be larger and more pop populous than any city in Europe at the time. They described the city as being full of beautiful buildings, gardens and fountains, and noted that it was a center of trade and commerce. With merchants from all over the world coming to do business there, the foreign travelers also noted the wealth and splendor of the royal court, with its magnificent places, temples, and public buildings. They were impressed by the king's great wealth and generosity, and noted that he distributed alms to the poor and supported the art and literature. Overall, the region of Krishnadevaraja. वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट अचीवमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द विजयनगर एम्पायर एंड इट लेव अ लास्टिंग लेगेसी ऑन साउथ इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर कृष्णदेवराज विजयनगर साम्राज्य के महानतम राजाओं में से एक थे जो एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जिसने चौदहवीं से सोलहवीं शताब्दी तक शासन किया था उन्होंने 1509 से पंद्रह तक शासन किया और उन्हें व्यापक रूप से साम्राज्य के साम शानदार राजाओं में से एक माना जाता है अपने शासनकाल के दौरान कृष्णदेव राय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की सबसे उल्लेखनीय में से एक उनकी सैन्य विजय थी जिसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और सापेक्ष स्थिरता और समृद्धि की अवधि लाई उन्होंने उड़ीसा के गजपतियों कोड़ाविंदु के रेड्डी और माथुरा गिगी के शासकों को हराया कृष्णदेवराज कला और साहित्य के संरक्षक के लिए भी जाने जाते थे वे स्वयं एक महान विद्वान थे उन्होंने तेलुगु और संस्कृत में कई रचनाएं लिखी उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु कवि तेनाली रामकृष्ण सहित कई अन्य लेखकों और कवियों का भी समर्थन किया इन उपलब्धियों के अलावा कृष्ण देवराज को उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए भी जाना जाता था उन्हें राजस्व अधिकारियों का एक नेटवर्क स्थापित किया जो करों को इकट्ठा करने और साम्राज्य के वित्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियों को भी लागू किया जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में मदद मिली कृष्ण देवराज के शासनकाल के दौरान विजयनगर की भव्यता को पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और इतालवी यात्री निकोलो डिकोन्टी सहित कई विदेशी यात्रियों ने नोट किया था वे शहर की भव्यता पर चंभित थे जो उस समय यूरोप के किसी भी शहर की तुलना में बड़ा और अधिक आबादी वाला कहा जाता था उन्होंने शहर को सुंदर इमारतों बगीचों और फवारों से भरा होने के रूप में वर्णित किया और कहा कि यह व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था जहाँ दुनिया भर के व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे विदेशी यात्रियों ने शाही दरबार के शानदार महलों मंदिरों और सार्वजनिक भवनों के साथ उसके धन और वैभव को भी नोट किया वे राजा के अपार धन और उदारता से प्रभावित थे और ध्यान दिया कि उन्होंने गरीबों को भिक्षा बांटी और कला और साहित्य का समर्थन किया कुल मिलाकर कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के लिए महान उपलब्धि और समृद्धि का काल था और इसने दक्षिण भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अस्थायी विरासत छोड़ी से लिंक एट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर फोर्टीन Describe the events and course of wars that led to the British occupation of Bengal. Bengal per British हुई घटनाओं तथा युद्धों का वर्णन कीजिए. the British occupation of Bengal was primarily a result of the Battle of Palasi in 1757, which was a major turning point in the history of India. The events and course of wars that led to the British occupation of Bengal from 1757 to 1765 are as follow. 1. The Battle of Palasi. The British East India Company, under the leadership of Robert Clave, defeated the Nawab of Bengal, Siraj Sirajuddullah, in the Battle of Palasi. With the help of a traitor within the Nawab's army, this battle marked the beginning of British dominance over Bengal. 2. The Treaty of Alinagar. The Treaty of Alinagar was signed between the British and the new Nawab of Bengal, Mir Jafar, in which the Nawab agreed to pay a large sum of money to the British and set political control over Bengal to them. The conquest of Bardhaman. The British East India Company defeated the Nawab of Bardhaman, which helped them in consolidating their power over Bengal. The Battle of Buxar. The B British East India Company defeated the combined forces of the Mughal Empire, Sujauddin and the Nawab of Bengal Mir Qasim in the Battle of Buxar. This battle marked the end of the Mughal Empire influence over Bengal and. सर्टिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द रीजन दिस इवेंट्स एंड वार्स हेल्प द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश द डोमेंस ओवर बेंगाल एंड सेट द स्टेज फॉर द इवेंचुअल ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा मुख्य रूप से सत्रह सौ संतावन पलासी की लड़ाई का परिणाम था जो भारत के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था सत्रह से सत्रह तक बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जे के कारण हुई घटनाओं और युद्धों का क्रम इस प्रकार है पलासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी की लड़ाई में नवाब की सेना के भीतर एक गद्दार की मदद से बंगाल के नवाब शराजुल्ला को हराया इस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया अली नगर की संधि अंग्रेज़ों और बंगाल के नए नवाब मीर जाफर के बीच अली नगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें नवाब अंग्रेज़ों को बड़ी रकम देने और बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण उन्हें देने के लिए सहमत हुए थे बर्दवान की विजय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्दवान के नवाब को हराया जिससे उन्हें बंगाल पर अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद मिली बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट सुजाऊला और बंगाल के नवाब मीर कासम की संयुक्त सेना को हराया इस लड़ाई ने बंगाल पर मुगल साम्राज्य के प्रभाव को समाप्त कर दिया और इस क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया इन घटनाओं और युद्धों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की और अंततः भारत पर ब्रिटिश शासन काल के लिए मंच तैयार किया डिस्क्राइब डिफरेंट ओपिनियन ऑफ हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह की, विद्रो की प्रकृति पर विभिन्न इतिहासकारों के मतों का वर्णन कीजिए हिस्टोरियन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द नेचर ऑफ़ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया आल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सम ऑफ़ द मेन परस्पेक्टिव आर नेशनलिस्ट परस्पेक्टि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द रिवॉल्ट वॉज अ नेशनल मूवमेंट एम्ड एट फ्रिंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी रूल द अपराइजिंग वॉज सीन एज अ यूनिफाइड Effort by the Indian people to reclaim their independence and sovereignty. Separatist perspective This perspective argues that the revolt was primarily a separatist movement aimed at creating an independent state for the Muslims of India. The rebels were seen as fighting for a separate Muslim identity and nation. Peasant revolt perspective This view sees the revolt as a ruler uprising against the British colonial policy that had led. To the widespread poverty and exploitation of Indian peasants, the rebels were seen as defending their rights and protesting against the British land policies. Military mutiny perspective: This perspective views the revolt as a mutiny by the Indian soldiers in the British army, rather than a widespread popular uprising. The rebels were seen as soldiers who rose up against their British officer to protest against the harsh condition and discrimination they faced. इन कंक्लूजन द नेचर ऑफ़ द रिवल्ट ऑफ एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन इज अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल डिबेट एंड डिफरेंट हिस्टोरियन होल्ड डिफरेंट ओपिनियन बेस्ड ऑन देयर परस्पेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशन ओवर द इवेंट्स भारत में अठारह सौ संतावन के विद्रोह की, विद्रो की प्रकृति के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है कुछ मुख्य दृष्टिकोण हैं राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य इस दृष्टिकोण के अनुसार विद्रोह एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश औपनिषेक शासन से मुक्त कराना था विद्रोह को भारतीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने के एक प्रयास के रूप में देखा गया अलगावादी परिप्रेक्ष्य यह परिप्रेक्ष्य तर्क देता है कि विद्रोह मुख्य रूप से एक अलगाववादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाना था विद्रोहियों को एक अलग मुस्लिम पहचान और राष्ट्र के लिए लड़ते हुए देखा गया किसान विद्रोह परिपेक्ष्य यह दृष्टिकोण विद्रोह को ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ एक ग्रामीण विद्रोह के रूप में देखा देखता है जिसने भारतीय किसानों की व्यापक गरीबी और शोषण को जन्म दिया था विद्रोहियों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और ब्रिटिश भूमि नीतियों का विरोध करने के रूप में देखा गया सैन्य विद्रोह परिपेक्ष्य यह परिप्रेक्ष विद्रोह को व्यापक लोकप्रिय विद्रोह के बजाय ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह के रूप में देखता है विद्रोहियों को उन सैनिकों के रूप में देखा जाता था जो कठोर परिस्थितियों और भेदभाव का सामना करने के लिए अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे अंत में अठारह के विद्रोह की, की प्रकृति ऐतिहासिक बहस का विषय है और विभिन्न इतिहासकार घटनाओं के अपने दृष्टिकोण और व्याख्याओं के आधार पर अलग अलग मत रखते हैं फिफ्टीन एक्सप्लेन ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स यूरोपियन काउंटर पार्ट भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव तथा अर्थ की व्याख्या कीजिए यह अपने यूरोपीय समकज से कैसे भिन्न है इंडियन नेशनलिज्म रिफर टू अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया दैट सिक्स टू प्रमोट नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चर एंड असर्ट इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड सॉगिनिटी इट इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड वॉज ड्राइवन बाई अ डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन The origin of Indian nationalism can be tracked back to the late 19th century and early 20th century when Indian intellectuals and political leaders began to challenge British rule and demand greater political representation and autonomy. During this period, various cultural, religious, and social movements coalesced into a larger national movement, which eventually led to India's independence from British rule in 1947. Indian nationalism differs from its European counterpart in several ways european nationalism which emerged in the 19th century was often characterized by a strong emphasis on the nation-state a common culture language and history it often had an exclusionary and chauvinistic tone leading to conflicts and wars in contrast indian nationalism has always been inclusive and pluralistic emphasizing the diversity and unity of india's many cultural religious and ethnic groups additionally indian nationalism has always placed a स्ट्रॉन्ग इम्फोसिस ऑन सोशल जस्टिस पर्टिकुलरली फॉर इंडियाज़ मार्जिन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड हैज़ बीन सेव्ड बाई इंडियाज़ यूनिक हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज भारतीय राष्ट्रवाद भारत में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन को संदर्भित करता है जो राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है और भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर जोर देता है यह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक शासन की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा और स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की इच्छा से प्रेरित था भारतीय राष्ट्रवाद भारत की उत्पत्ति उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत में देखी जा सकती है जब भारतीय बुद्धिजीवों और राजनीतिक नेताओं ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देना शुरू किया और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता की मांग की इस अवधि के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया जिसने अंत उन्नीस में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया भारतीय राष्ट्रवाद अपने यूरोपियन समकक्ष से कई मायनों में भिन्न है यूरोपीय राष्ट्रवाद जो उन्नीसवीं शताब्दी में उभरा अक्सर राष्ट्र राज्य एक सामान्य संस्कृति भाषा और इतिहास पर जोर देने की विशेषता थी इसमें अक्सर एक बहिषीकरण और अराजकवादी स्वर होता था जिससे संघर्ष और युद्ध होते थे इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रवाद हमेशा समावेशी और बहुलवादी रहा है जो भारत के कई सांस्कृतिक धार्मिक और जातीय समूहों की विविधता और एकता पर जोर देता है इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रवाद ने हमेशा सामाजिक न्याय पर जोर दिया है विशेष इस रूप से भारत के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए और इससे भारत के अद्वितीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत द्वारा आकार दिया गया है और हाउ डिड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट रिटेलिएट गांधीज कॉल फॉर क्वेट इंडिया एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ Quit इंडिया मूवमेंट ऑन लेटर इवेंट्स ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दी भारत छोड़ो आंदोलन का आने वाली घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा इन रिस्पॉन्स टू Gandhi's कॉल फॉर क्विट इंडिया इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी टू द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी जी एंड अदर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड क्लैम डाउन ऑन द मूवमेंट यूजिंग फोर्स द ब्रिटिश अथॉरिटीज डिक्लेयर अ नेशन वाइड क्रैक डाउन एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट censorship on the media to control the spread of information about the movement. the british indian policy and military used violence to suppress protest leading to widespread violence and loss of life. the quit india movement had a profound impact on later events in indian independence struggle. it marked a new phase of mass mobilization and increased public pressure on the british to grant india independence. the movement also demonstrated the strength of the indian पीपल्स डिजायर फॉर फ्रीडम एंड द वीकनेस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ वे आर अनएबल टू कंट्रोल द वाइड स्पीड प्रोटेस्ट एंड अनरेस्ट एंड द मूवमेंट हेल्प टू फर्दर डेलीगेटमाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया द मूवमेंट ऑल्सो गलवनाइज सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस एंड वॉज अ की फैक्टर इन द इवेंचुअल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन उन्नीस सौ बयालीस में गांधी के भारत छोड़ो के आह्वान के जवाब में ब्रिटिश भारत सरकार ने गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और बल प्रयोग करके आंदोलन को दबा दिया ब्रिटिश अधिकारियों ने आंदोलन के बारे में जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मीडिया पर एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की घोषणा की और मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा दी ब्रिटिश भारतीय पुलिस और सेना ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जिससे व्यापक हिंसा और जीवन की हानि हुई भारत छोड़ आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद की घटनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा इसने जन लामबंदी के एक नए चरण को चिन्हित किया और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए अंग्रेज़ों पर जनता का दबाव बढ़ा आंदोलन ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों की इच्छा और ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था की कमजोरियों की ताकत का भी प्रदर्शन किया ब्रिटिश अधिकारी व्यापक विरोध और अशांति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन को एक और अधिक अवैध बनाने में मदद किया आंदोलन ने स्वतंत्रता के लिए समर्थन को भी प्रेरित किया और उन्नीस सौ सैंतालीस में भारत को सत्ता के अंतिम हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण कारक था सिक्सटीन ए ऑन द आउट आउटलाइन पोलिटिकल लाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग ए वन माउंटेन रेंज विंध्या टू पेंटेड ग्रे वेयर सेटलमेंट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड टू प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन थ्री थ्री साइट्स ऑफ अर्ली सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फोर हेड क्वाटर्स ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग फाइफ साइट ऑफ नाइन हंड्रेड थर्टी वन सेसन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिक्स मोस्ट पावरफुल महाजनपदा और पोरबंदर बी ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप मार्क एंड लोकेट पोलैंड ए दिए गए भारत की राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए वन एक विंध्य पर्वत श्रृंखला दो उत्तर वैदिक काल के चित्रित दूसर भाड़ को बसाट दो उन्नीस सौ सैंतालीस में मैसूर की देसी रियासत तीन गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के तीन स्थल चार एनिवेशेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय पाँच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्नीस के अधिवेशन का स्थल छः सबसे शक्तिशाली महाजनपद अथवा पोरबंदर भी दिए गए यूरोप के रणनीतिक रेखा मानचित्र पर पोलैंड को दर्शाइए पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन आर फॉर द ब्लाइंड कैंडिडेट इन लिव ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वन नेम टू लेटर वैदिक सेटलमेंट कोसला विदेहा टू नेम द किंगडम ऑफ टीपू सुल्तान मैसूर थ्री नेम द अर्ली सत्याग्रह ऑफ गांधीजी चंपारण अहमदाबाद फोर नेम द हेड क्वार्टर ऑफ होम रूल लीग ऑफ एनी इनिवेसेंट उद्यार चेन्नई फाइव नेम द साइट ऑफ नाइनटीन एंड थर्टी वन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कराची सिक्स नेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा मगध सेवेन नेम द कंट्री दैट हैज़ गिवन बर्थ टू नाजीज जर्मनी निर्देश निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या सोलह के स्थान पर एक उत्तर वैदिक काल की दो बसावटों के नाम लिखिए कौशल विदे दो टीपू सुल्तान के राज्य का नाम लिखिए मैसूर तीन गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के नाम लिखिए चंपारण अहमदाबाद चार एनी बेसेंट के होम रूल लीग के मुख्यालय का स्थल का नाम अदयार चेन्नई पाँच उन्नीस सौ इकतीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का स्थल कराची छः सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम मगध सात नाजीवाद को जन्म देने वाला देश का नाम जर्मनी सेक्शन बी ऑप्शन वन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट सेवेंटीन डिस्क्राइब राजा ऑफ जना इज रिगार्डेड एज चीफ रेदर देन अ किंग कब किसी जन के राजा को उसे राजा के बजाय सरदारी अथवा प्रमुख के रूप में परिभाषित किया जाता था वर्णन कीजिए अ राजा ऑफ अ जना इज रिगार्डेड एज अ चीफ वेन द जना इज अ कम्युनिटी अ ट्राइब दैट ऑपरेट्स थ्रू अ ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस

संचालित होता है ऐसी व्यवस्था में राजा जनजाति के नेता और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है लेकिन उनकी शक्ति सीमित होती है और उनके पास पूर्ण अधिकार के बजाय एक अधिक सलाहकार भूमिका होती है इस संदर्भ में राजा शीर्षक राजा के बजाय प्रमुख का अर्थ रखता है और स्टेट द स्टेटस ऑफ वूमेन ऑफ सुल्तान इन मिदिल इंडिया मध्यकाल के सुल्तान की स्त्रियों की परिस्थिति का उल्लेख कीजिए Women in medieval India during the Sultanate period had limited rights and were considered inferior to men. They faced discrimination and were expected to maintain a submissive. रोल इन सोसाइटी सम वुमेन बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिलीज एंड नोबल हाउस होल्ड्स वेयर एडुकेटेड एंड हेल्ड पोजिशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस बट द मेजोरिटी ऑफ़ वुमेन हैड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड फेस्ड रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस हाउ इवर देयर वेयर आल्सो इंस्टेंसेज ऑफ वुमेन प्लेइंग प्रॉमिनेंट रोल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स लिटरेचर एंड आर्ट डरिंग दिस पीरियड सल्तनत काल के दौरान मध्ययुगीन भारत में महिलाओं के सीमित अधिकार थे और उन्हें पुरुषों से हीन माना जाता था उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा और उनसे समाज में एक विनम्र भूमिका बनाए रखने की अपेक्षा की गई शाही परिवारों और कुलीन परिवारों से संबंधित कुछ महिलाएं शिक्षित या सत्ता और प्रभाव के पदों पर आसीन थीं लेकिन अधिकांश महिलाओं के पास शिक्षा की सीमित अवसर थे और उन्हें गतिशीलता और स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा हालांकि अवधि के दौरान महिलाओं के राजनीतिक साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रमुख भूमिकाएँ निभाने के भी उदाहरण थे एटीन Analyze the political conquest of Chola king, Raja, Raja I and Rajendra. Chola Samrat Raja Raja Rajendra ki Rajneetik vislation kijiye. Raja Raja I and Rajendra Chola were two powerful Chola kings who ruled in southern India during the 10th and 11th centuries. Their reasons were marked by several political conquests that expanded the Chola empire to its greatest extent. Raja Raja I, who ruled from 1985 to 2014 CE, was known for his military conquest and administrative efficiency. He conquered the kingdom of the Pandyas, Cheras, and other neighboring regions, expanding the Chola Empire to include much of southern India and parts of Sri Lanka. Raja Raja I also successfully invaded and captured the island of Maldives, which brought the Chola Empire its first overseas territory. Rajendra Chola, the son of Raja I, continued his father's legacy of political conquest and territorial expenses. He ruled from 1014 to 1044 CE and led several successful military campaigns, including a naval invasion of the Sri Vijaya Empire in Southeast Asia. This invention marked the farthest territorial extent of the Chola Empire, which reached as far as the islands of Sumatra and Java. In addition to this territorial conquest, both Raja Rajavan and Rajendra Chola implemented several reforms to strengthen the administrative and economic systems of their empire. They also patronized the arts, literature, and religion. Which helped to establish the Chola dynasty as a major cultural and political force in South Asia. Overall, the political conquest of the Chola kings Raja Rajavan and Rajendra marked a significant period in the history of southern India. Their territory expansions, administrative reforms, and culture patronage helped to establish the Chola Empire as a major political and cultural force in South Asia and East Asia. राजा राजा प्रथम राजेंद्र चोल दो शक्तिशाली चोल राजा थे जिन्होंने दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में शासन किया था उनके शासनकाल को कई राजनीतिक विजयों द्वारा चिन्हित किया गया था जिन्होंने चोल साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया था राजा राजा प्रथम जिन्होंने नौ से एक हज़ार तक शासन किया अपनी सैन्य विजय और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते थे उन्होंने पांड्यों चेरों और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के राज्यों पर विजय प्राप्त की चोल साम्राज्य का विस्तार करते हुए दक्षिणी भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों को शामिल किया राजा राजा प्रथम ने भी सफलतापूर्वक आक्रमण किया और मालदीव द्वीप पर कब्जा कर लिया जिसने चोल साम्राज्य को अपना पहला विदेशी क्षेत्र बना लिया राजा राजा प्रथम के पुत्र राजेंद्र चोल ने अपने पिता की राजनीतिक विजय और क्षेत्रीय विस्तार की विरासत को जारी रखा उन्होंने 1014 से 1044 हज़ार तक शासन किया और कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजया साम्राज्य पर नौसेना का आक्रमण भी शामिल था इस आक्रमण ने चोल साम्राज्य के सबसे दूर की क्षेत्रीय सीमा को चिन्हित किया जो सुमात्रा और जावा के द्वीपों तक पहुँच गया इन क्षेत्रीय विजयों के अलावा राजा राजा प्रथम और राजेंद्र चोल दोनों ने अपने साम्राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार लागू किए उन्होंने कला साहित्य और धर्म को भी संरक्षण दिया जिसने चोल वंश को दक्षिण एशिया में एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की कुछ मिलाकर चोल राजाओं राजा राजा वन और राजेंद्र की राजनीतिक विजय ने दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिन्हित किया उनके क्षेत्रीय विस्तार प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक संरक्षण ने चोल साम्राज्य को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग द ब्रिटिश डीड टू वेस्टर्नाइज इंडिया वॉज टू इंट्रोड्यूस अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्रिटिकल एग्जाम इन द स्टेटमेंट भारत के पश्चिमीकरण के लिए ब्रिटिशों द्वारा किए गए सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्यों में से एक था अंग्रेजी शिक्षा के एक संशोधित रूप का कार्यान्वयन इस कथन को आलोचनात्मक जांच कीजिए द स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग एट द ब्रिटिश जी टू वेस्टर्नाइज इंडिया वाज टू इंट्रोड्यूस अ म मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज़ बोथ एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट इट इज़ एक्यूरेट इन द सेंस दैट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्राउट अबाउट अ मेजर चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया विच हेल्प टू वेस्टर्नाइज द कंट्री टू अ सर्टन एक्सटेंट हाउ यूर इट इज़ आल्सो इनएकुरेट इन द सेंस दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वॉज जस्ट वन ऑफ सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू The westernization of India. On the one hand, British colonial rule brought about a major overhaul of the education system of India. The British introduced a modified version of the English education system, which aimed to produce a class of educated Indians who could serve. As intermediaries between the colonial administration and the Indian population. This education system emphasized the study of Western subjects, including science, history, and literature, and was taught in English, which was seen as the language of modernity and civilization. The introduction of this education system helped to instill Western values and ideas in the Indian population, and it played a significant role in shaping the modern India identity. On the other hand, it is also important to note that the introduction of English education was just one of several factors that. Contributed to the westernization of India, other factors such as the establishment of British institutions, the introduction of Western law and administration, and the influence of Western ideas and culture also played a role in shaping the westernization of India. In conclusion, while the introduction of a modified version of English education was indeed a significant factor in the westernization of India, it is important to acknowledge that this was just one of the several factors that contributed to this process. The British colonial rule in India was marked by several complex and ट रिलेटेड फैक्टर्स दैट हेल्प टू सेव द मॉडर्न आइडेंटिटी ऑफ इंडिया ब्रिटिशों ने भारत को पश्चिम बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक अंग्रेजी शिक्षा का एक संशोधित संस्करण पेश करना था सटीक और गलत दोनों ही यह इस अर्थ में सटीक है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक शासन ने भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाया जिसने देश को कुछ हद तक पश्चिम बढ़ाने की मदद की हालांकि यह इस अर्थ में भी गलत है कि अंग्रेजी शिक्षा का परिचय भारत के पश्चिमीकरण में योगदान देने वाले कई कारकों में से एक था एक और ब्रिटिश उपनिवेशक शासक ने भारत में शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का एक संशोधित संस्करण पेश किया जिसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था जो उपनिवेशक प्रशासन और भारतीय आपाधी के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर सके इस शिक्षा प्रणाली ने विज्ञान इतिहास और साहित्य सहित पश्चिमी विषयों के अध्ययन पर जोर दिया और अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था जिससे आधुनिकता और सभ्यता की भाषा के रूप में देखा जाता था इस शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ने भारतीय आबादी में पश्चिमी मूल्यों और विचारों को स्थापित करने में मदद की और इसने आधुनिक भारतीय पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी शिक्षा का परिचय भारत की पश्चिमीकरण में योगदान देने वाले कई कारकों में से एक था अन्य कारकों जैसे ब्रिटिश संस्थानों की स्थापना पश्चिमी कानून और प्रशासन की शुरुआत और पश्चिमी विचारों और संस्कृति के प्रभाव ने भारत के पश्चिमीकरण को आकार देने में भूमिका निभाई अंत में जबकि अंग्रेजी शिक्षा के एक संशोधित संस्करण का परिचय वास्तव में भारत के पश्चिमीकरण में एक महत्वपूर्ण कारक था यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यह इस प्रक्रिया में योगदान देने वाले कई कारकों में से एक था भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक शासक कई जटिल और परस्पर संबंधित कारकों से चिन्हित था जिसने भारत की आधुनिक पहचान को आकार देने में मदद की ऑप्शन टू कल्चर इन इंडिया सेवेंटीन विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द फ्रेज ग्लोबल विलेज व्हाट इज मीन्ट बाय अ ग्लोबल विलेज किस विद्वान ने पहली बार वैश्विक गांव का मुहावरा इस्तेमाल किया वैश्विक गांव से क्या तात्पर्य है द टर्म ग्लोबल विलेज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैनेडियन मीडिया Theorist and philosopher Marshall McLuhan in the 1960s. A global village refers to the idea that the world has become interconnected and interdependent through modern communication technology, making it possible for people to communicate and interact with each other in real time regardless of physical distance. In this sense, the world is seen as a small interconnected community where events happening in one part of the world can quickly and easily impact people in other parts of the world. द कंसेप्ट इम्फेसाइज द इंक्रीजिंग interconnectedness ऑफ द वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट दैट दिस हैज़ ऑन आवर lives एंड कल्चर ग्लोबल विलेज शब्द का पहली बार इस्तेमाल कनाडा के मीडिया सिद्धांतकार और दार्शनिक मार्शल मैकलुहान ने 1960 के दशक में किया था एक वैश्विक गांव इस विचार को संदर्भित करता है कि दुनिया आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परस्पर जुड़ी और अन्योन्यश्रित हो गई है जिससे भौतिक दूरी की परवाह किए बिना लोगों के लिए वास्तविक समय में एक दूसरे के साथ संवाद और बातचीत करना संभव हो गया इस अर्थ में दुनिया को एक छोटे परस्पर जुड़े हुए समुदाय के रूप में देखा जाता है जहां दुनिया के एक हिस्से में होने वाली घटनाएं दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोगों को जल्दी और आसानी से प्रभावित कर सकती है यह अवधारणा दुनिया की बढ़ती परस्पर संबद्धता और हमारे जीवन और संस्कृति पर इसके प्रभाव पर जोर देती है और वाट इज़ कंज्यूमरिज्म व्हाट इज मिंट बाय ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर उपभोक्तावाद क्या है जरूरतों की चीज़ों से क्या तात्पर्य है कंज्यूमरिज्म इज द सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर दैट इंकरेजेस द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईवर इंक्रीजिंग अमाउंट्स द टर्म ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर रिफर्स टू द मटेरियल गुड्स दैट पीपल डिज़ायर आर एस्पायर टू पोजेज एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म दिस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन मार्केटेड एंड एडवर्टाइज्ड इन अ वे दैट क्रिएट्स अ डिजायर टू ऑन देम एंड दे आर सीन असेंबल्स ऑफ स्टेटस सक्सेस आर हैप्पीनेस उपभोक्तावाद सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जो लगातार बढ़ती मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को प्रोत्साहित करती है जरूरत की चीज़ें उन भौतिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जो लोग उपभोक्तावाद के परिणाम स्वरूप इच्छा रखते हैं या रखने की इच्छा रखते हैं इन वस्तुओं को अक्सर इस तरह से विज्ञापित और विज्ञापित किया जाता है जो उन्हें अपना बनाने की इच्छा पैदा करता है और उन्हें स्थिति सफलता या खुशी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है एटीन क्रिटिकली एग्जामिन द फूड हैबिट्स ऑफ इंडियंस एंड द डिस्टिंगटिव डिजाइंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया भारतीयों की खाने की आदतों तथा तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अलग पाक प्रणालियों की आलोचनात्मक जांच कीजिए इंडियन cuisine इज डाइवर्स रिच एंड वेरिड रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज हिस्ट्री जोग्राफी क्लाइमेट एंड कल्चर हेरिटेज the food habits of indian vary greatly depending on their culture religious background geographical location economic status some of the most common food habits among indian include consuming rice and lentils as staples eating with their hands and preparing food with spices one of the distinctive feature of indian cuisine is the use of spices indian use a wide variety of spices to enhance the flavor and aroma of their dishes some of the most commonly used spices include cumin turmeric Cardamom, cinnamon, and chili pepper. These spices not only provide flavor but also have health benefits such as ending digestion and fighting inflammation. Another distinctive feature of Indian cuisine is the variety of cooking style and method used in different regions of the country. Some of the most well-known regional cuisine include North India. Kazain north Indian Kazan is known for its rich and creamy dishes such as butter chicken korma and biryani this Kazan is heavily influenced by the Mughlai Kazan which was brought to India by the Mughal Imperials south Indian Kazan south Indian Kazan is characterized by the use of coconut and rice in many of its dishes such as Dosa uthappam idli this Kazan is also known for its spicy and tangy flavor which are achieved through the use of tamarind lemon and other shoring agents East Indian cuisine East Indian cuisine is known for its use of fish and seafood in its dishes as well as its spicy and flavorful curries Some of the most popular East Indian dishes include fish curry and prawn curry West Indian cuisine West Indian cuisine is characterized by the use of tropical fruits such as mango and coconut in its dishes This cuisine is also known for its sweet and savory flavor which are achieved through the use of jaggery and palm sugar overall the food habits and distinctive cuisine of different regions of india reflect the country's rich cultural heritage and diversity whether it is the use of spices cooking style or ingredient each region has its own unique culinary identity that showcases the best of indian cuisine भारतीय व्यंजन समृद्ध और विविध हैं जो देश के इतिहास भूगोल जलवायु और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं भारतीयों की खाने की आदतें उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के आधार पर बहुत भिन्न होती है भारतीयों में कुछ सबसे आम खाने की आदतों में चावल और दाल है अपने हाथों से खाना और मसालों के साथ खाना बनाना शामिल है भारतीय व्यंजनों की विशिष्ट विशेषताओं में से एक मसालों का उपयोग है भारतीय अपने व्यंजन का स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए कई तरह के मसालों का उपयोग करते हैं सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कुछ मसालों में जीरा हल्दी इलायची दालचीनी और मिर्च शामिल हैं ये मसाले न केवल स्वाद प्रदान करते हैं बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं जैसे पाचन में सहायता और सूजन से लड़ना भारतीय व्यंजनों की एक और विशिष्ट विशेषता देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली खाना पकाने की शैलियों और विधियों की विविधता है कुछ सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजनों में शामिल है उत्तर भारतीय व्यंजन उत्तर भारतीय व्यंजन अपने समृद्ध और मलाईदार व्यंजनों के लिए जाना जाता है जैसे कि बटर चिकन कोरमा और बिरयानी यह व्यंजन मुगलई व्यंजनों से काफ़ी प्रभावित है जिससे मुगल सम्राटों द्वारा भारत ला गया था दक्षिण भारतीय भोजन दक्षिण भारतीय व्यंजनों की विशेषता ढोसा उत्पम और इडली जैसे कई व्यंजन में नारियल और चावल के उपयोग से होती है यह व्यंजन अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है जो इमली नींबू और अन्य खट्टे पदार्थों के उपयोग से प्राप्त किया जाता है पूर्व भारतीय व्यंजन पूर्वी भारतीय व्यंजन अपने व्यंजनों में मछली और समुद्री भोजन के उपयोग के साथ साथ इसकी मसालेदार और स्वादिष्ट करी के लिए जाना जाता है कुछ सबसे लोकप्रिय पूर्व भारतीय व्यंजनों में फिश करी और प्रॉन करी शामिल है पश्चिम भारतीय व्यंजन पश्चिम भारतीय व्यंजनों की विशेषता इसके व्यंजनों में आम और नारियल जैसे उष्ठ कटिबंधीय फलों के उपयोग से होती है यह व्यंजन अपने मीठे और नमकीन स्वाद के लिए भी जाना जाता है जिसे गुड़ और ताड़ की चीनी के उपयोग से प्राप्त किया जाता है कुल मिलाकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों की खान पान की आदतें और विशिष्ट व्यंजन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को दर्शाते हैं चाहे वह मसालों खाना पकाने की शैली या सामग्री का उपयोग हो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी पाक पहचान होती है जो भारतीय व्यंजनों का सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है और इवेल्युएट द फैक्टर्स दैट लीड टू डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारणों का मूल्यांकन कीजिए देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट लीड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वन इन्वेंशन एंड डिस्ट्रक्शन द रिपीटेड इन्वेंशंस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई द हूं एंड लेटर बाय द तुर्क अफगान डायनेस्टीज लाइक द Gajanivid and the Delhi Sultanate resulted in widespread destruction of Buddhist monasteries and universities thereby disrupting the transmission of Buddhist teaching to competition from Hinduism and Islam as Buddhism competed with Hinduism and Islam for converts it gradually lost ground especially in the face of a re-establishment. Hinduism that offer new form of devotion and the arrival of Islam in India, which attract large number of converts with its message of monotheism and social equality. Three lack of state support, the decline of the Buddhist mor Empire, which had been a more major patron of Buddhism, and the emergence of Hindu dominant state, which often saw Buddhism as a threat of their own religious and political authority, also contributed to the decline of Buddhism in India for decline of buddhist scholarship the decline of buddhist institution of learning and the disappearance of buddhist scholars who could transmit the teaching to new generations contributed to the decline of buddhism in india 5 regionalization and diversity the diversification of buddhist teachings into various sects and regional schools which sometimes held conflicting views and interpretations made it difficult for Buddhism to maintain a united front in the face of competition from other religions. This factor combined to gradually marginalize Buddhism in India over several centuries until it became a minority religion and eventually disappeared from the subcontinent, except for small pockets of flowers in places like Ladakh and Sikkim. भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण हैं एक आक्रमण और विनाश हुड़ों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर बार बार आक्रमण और बाद में तुर्क अफगान राजवंशों जैसे गजनवी और दिल्ली सल्तनत द्वारा बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों का व्यापक विनाश हुआ जिससे बौद्ध शिक्षाओं का प्रसारण बाधित हुआ दो हिंदू धर्म और इस्लाम से प्रतिस्पर्धा चूँकि बौद्ध धर्म ने धर्म के लिए हिंदू धर्म और इस्लाम के साथ प्रतिस्पर्धा की या धीरे धीरे जमीन खो गया विशेष रूप से एक पुनरुत्थान वाले हिंदू धर्म के सामने जिसने भक्ति के नए रूपों और भारत में इस्लाम के आगमन की पेशकश की जिसने बड़ी संख्या में धर्मांतरित लोगों को आकर्षित किया एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता का इसका संदेश तीन राज्य समर्थन का भाव मौर्य साम्राज्य का पतन जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संरक्षक था और हिंदू बहुल राज्यों का उदय जो अक्सर बौद्ध धर्मों को अपने स्वयं के धार्मिक और राजनीतिक अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखते थे ने भी इसमें योगदान दिया भारत में बौद्ध धर्म का पतन के लिए फोर बौद्ध छात्रवृत्ति की गिरावट सीखने के बौद्ध संस्थानों की गिरावट और बौद्ध विद्वानों के गायब होने के कारण जो नई पीढ़ियों को शिक्षाओं को प्रसारित कर सकते थे ने भारत में बौद्ध धर्म की गिरावट में योगदान दिया पांच क्षेत्रीकरण और विविधता विभिन्न संप्रदायों और क्षेत्रीय विद्यालयों में बौद्ध शिक्षाओं का विविधीकरण जिसमें कभी कभी परस्पर विरोध भी विचार और व्याख्याएं होती थी ने बौद्ध धर्म के लिए अन्य धर्मों से प्रतिस्पर्धा के सामने एक संयुक्त मोर्चा बनाए रखना मुश्किल बना दिया इन कारकों ने कई शताब्दियों में भारत में बौद्ध धर्म को धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिया जब तक कि यह अल्पसंख्यक धर्म नहीं बन गया और अंततः उपमहादीपी से गायब हो गया केवल लद्दाख और सिक्किम जैसे स्थानों में अनुयायियों के छोटे क्षेत्रों को छोड़कर See link at description for previous year solved question paper